दोस्तों हाल ही में मैंने थिएटर जाकर द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर मूवी देखी है, और इससे पहले हम डिटेल में इसकी कहानी को जाने, मैं आपको एकदम शॉर्ट में इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे देता हूँ। तो अगर फिल्म के पॉजिटिव्स की बात की जाए तो सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है कि ये एक सीरियस हॉरर फिल्म है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से हॉरर पे ध्यान दिया गया है, कॉमेडी का कोई एलिमेंट नहीं है, ना ही कुछ जोक्स हैं, एकदम सीरियस थ्रू आउट, जो कि कहीं ना कहीं इस तरह की हॉरर मूवी के लिए अच्छे से काम करती है। देन फिल्म के पात्रों की जो एक्टिंग है वो भी एकदम ऑन पॉइंट है, स्पेशली जो दो बच्चियां जो पजेस हो जाती हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म से आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट करके देखने जाते हो वो आपको सेकेंड हाफ में देखने जरूर मिलता है। साथ ही यहाँ सिनेमेटोग्राफी ये सब तो अच्छा है, यानी टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड है। लेकिन अगर बात नेगेटिव्स की जाए तो सबसे बड़ी नेगेटिव तो यही है कि फिल्म में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा ही नहीं। फिल्म की कहानी फेयरली सिंपल है, इनफैक्ट फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी लंबा फील होगा, वहां सिर्फ कहानी ही सेट की गई है। अब क्योंकि कहानी में डेप्थ उतना नहीं है तो यहाँ कुछ ऐसे स्केरी मोमेंट्स भी बनते नहीं है। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप एक बार देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि थिएटर जाकर, ओटीटी पे आने का भी वेट कर सकते हैं। थिएटर में तभी जाइए जब आप 1973 वाली द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं, तब तो भाई आपको ये मूवी देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ कनेक्शंस भी हैं। अब ओरिजिनल से कंपेयर किया जाए तो भाई ये फिल्म बहुत फीकी पड़ जाती है, क्योंकि 1973 में ओरिजिनल इतनी अच्छी बनी थी और ये 2023 में भी उसको मैच नहीं कर रही है, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं ही हुई। बट हाँ, बहुत बुरी भी नहीं है फिल्म, आराम से देख सकते हो। तो बस यही थी मेरी छोटी सी रिव्यू जो कि स्पॉइलर फ्री थी। अब हम फिल्म के कहानी को जानेंगे, यानी कि इस पॉइंट से स्पॉइलर होगा, जिन्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक फोटोग्राफर कपल को देखते हैं जो कि हाइती के पोर्ट प्रिंस में होते हैं, और यहाँ जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। वहां की लोकल लेडीज वाइफ के होने वाले बच्चे के लिए प्रे वगैरह करती हैं, और हम देखते हैं कि ये कपल काफी रिलीजियस है। अब अगले दिन अचानक से यहाँ एक अर्थक्वेक आता है और इसमें प्रेग्नेंट लेडी काफी चोटिल हो जाती है। सिचुएशन टिपिकल मूवीज वाला आता है, जहां डॉक्टर्स या तो बीवी को बचा सकते हैं या फिर होने वाले बच्ची को। एंड ऑफ कोर्स ये फैसला हस्बैंड के हाथ में था। वाइफ अपने हस्बैंड विक्टर फील्डिंग से कहती है कि जो भी हो जाए बच्चे को जरूर बचाना। अब यहां हमें दिखाया तो नहीं जाता कि विक्टर ने क्या चुना, लेकिन कहानी जब 13 साल आगे बढ़ जाती है तो वहां हम विक्टर को अपने 13 साल की बेटी एंजेला के साथ देख पाते हैं। ये दोनों जॉर्जिया में रहते हैं और इनके बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। ऑफ कोर्स विक्टर की पत्नी यानी एंजेला की मां उस अर्थक्वेक के हादसे के बाद नहीं बच पाई होगी, और एंजेला यहां अपने मॉम की कुछ पुरानी फोटोज, उनका कुछ पुराना सामान, ये सब देख रही होती है। वो अपनी मॉम का एक स्कार्फ ले लेती है और अपने पिता के साथ स्कूल निकल लेती है। स्कूल छोड़ते वक्त एंजेला के पिता उससे उसकी माँ का स्कार्फ ये बोल के ले लेते हैं कि मॉम का सब कुछ बहुत प्रेशियस है। खैर, एंजेला स्कूल में अपनी फ्रेंड कैथरीन से मिलती है और छुट्टी के टाइम पे ये दोनों पास के जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। जंगल में ये दोनों एक अंडरग्राउंड बंकर जैसी जगह पे जाते हैं, जहां ये लोग कैंडल जलाकर देन पेंडुलम वगैरह यूज करके मानो किसी तरह का रिचुअल कर रही थी जिससे किसी आत्मा से कॉन्टेक्ट किया जा सके। अब यहां से सीन शिफ्ट होकर विक्टर पे आता है, जो कि अपना फोटोग्राफी वगैरह का काम निपटा कर घर आता है, लेकिन एंजेला अब तक घर नहीं आई थी। विक्टर स्ट्रिक्टली एंजेला को 9 बजे से पहले आने कहा था, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। ऐसे में विक्टर एंजेला की फ्रेंड कैथरीन के पेरेंट्स को कॉल करता है और उसे पता लगता है कि कैथरीन भी घर नहीं आई है। अब कैथरीन के पिता टोनी, मां मिरांडा और अपना विक्टर जो है, ये तीनों जंगल में जाके दोनों बच्चियों की तलाश में लग जाते हैं। जंगल में इन्हें वो अंडरग्राउंड बंकर भी मिलता है जहां एंजेला के शूज थे। इनफैक्ट टोनी और मिरांडा को भी कैथरीन के बैग वगैरह मिलते हैं। इस पॉइंट तक पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, लेकिन इन दो लड़कियों का कोई अता पता नहीं था। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बच्चियों के पेरेंट्स आपस में ही बहस करने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये बोलकर शांत किया जाता है कि सबका एम एक होना चाहिए, एंड दैट इज कि बच्चियों को किसी भी तरह ढूंढ निकालना है। तो ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और जंगल से तकरीबन 30 मील दूर एक रैंडम फैमिली को ये दोनों बच्चियां उनके बार्न में मिलती है। इन दोनों
बच्चियों को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है और पेरेंट्स भी फौरन इनसे मिलने पहुंचते हैं। एंजेला का कहना था कि वो तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही गायब हुई थी, लेकिन असल में वो 3 दिन से गायब थी। डॉक्टर्स हर तरह से इन बच्चियों को एग्जामिन करते हैं, लेकिन नथिंग वॉज रॉन्ग। आई मीन ना तो वो दोनों किसी तरह से भी ड्रग्ड हुई थी, ना ही किसी तरह का फिजिकल या फिर किसी और तरह का भी असॉल्ट उन पे हुआ था। कहने का मतलब कि ये बिल्कुल ठीक थी, किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुआ था। बस हाँ, इनके पैर एकदम जख्मी थे, मे बिकॉज ये दोनों खाली पैर 30 मील वॉक करी होगी। ऐसे में एंजेला और कैथरीन को अपने अपने पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया जाता है। ऑल्दो एज अ व्यूअर हम नोटिस कर पाते हैं कि इन दोनों के हाव भाव एकदम नॉर्मल नहीं थे। खैर, घर आकर विक्टर अपनी बेटी एंजेला से सच पूछता है और एंजेला बताती है कि वो दोनों एक्चुअली में एंजेला की माँ की आत्मा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कैंडल जलाया, अपना माइंड क्लियर किया, देन ट्रीज के आसपास पेंडुलम का इस्तेमाल किया, देन एंजेला को अपनी माँ से रिलेटेड कुछ होल्ड करना था, लेकिन उस दिन विक्टर एंजेला से उसकी माँ का स्कार्फ ले लिए थे। तो ऐसे में एंजेला के पास कुछ होल्ड ऑन करने के लिए नहीं था जो कि उसकी माँ का था, और जिस स्पिरिट से काइंड ऑफ वो मिली उसका कहना था कि वहां कोई नहीं थी। इसके बाद एंजेला ब्लैंक हो गई और उसे खुद नहीं पता कि वो बार्न कैसे और कब पहुंची। नाउ ये सब बात बोलते बोलते एंजेला अचानक से सीरियस होकर विक्टर से उसे अकेला छोड़ने को कहती है। इसके बाद एंजेला अजीब बर्ताव कर रही थी, लाइक विक्टर के वॉशरूम का लाइट ऑन ऑफ करना, देन अगली सुबह वो अपने बेड पे ही सूसू कर दी थी, देन नहाने के लिए टब में जब पानी भरा जाता है तो वो पानी एकदम काला था, और ऐसे ही और कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एंजेला अचानक से विक्टर पे हमला कर देती है, सेइंग कि उसे अपनी माँ चाहिए। एंजेला के पैर और हाथ चोटिल थे, इनफैक्ट उसके नाखून उखड़ रहे थे। ऐसे में एंजेला को तुरंत वापस अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसकी फैमिली काफी रिलीजियस थी और वो लोग कैथरीन के वापस मिल जाने की खुशी में चर्च गए थे। चर्च में जो फादर थे वो भी काफी खुश थे, बोल रहे थे कि वेलकम बैक कैथरीन। लेकिन यहाँ कैथरीन चर्च के बीचों बीच फादर के सामने अजीब तरह से द बॉडी एंड द ब्लड चिल्लाने लगती है, मानो वो पजेस्ड हो। इस पॉइंट पे एंजेला की मॉम मिरांडा को लग रहा था कि ये सब डिमोनिक पोजीशन है, क्योंकि ठीक जीसस की तरह ये दोनों लड़कियां हेल से वापस आई हैं, तभी तो इनके पैर बर्नड है और इन पे डेविल का साया है। लेकिन टोनी और विक्टर को इस पे यकीन नहीं होता, स्पेशली विक्टर को, क्योंकि अपनी पत्नी की मौत के बाद उसका भगवान पर से भरोसा उठ गया था। याद है मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि विक्टर रिलीजियस हुआ करता था, वेल पत्नी की मौत के बाद वो बदल चुका है। अब उस रात नर्स एन जब एंजेला का ख्याल रख रही होती है तो अचानक से एंजेला उठ जाती है और नर्स को सिस्टर मेरी जेवियर के नाम से बुलाती है। देन वो सिस्टर से योर बेबी बोल के डेमोनिक वे में हंसती है और उसका चादर पूरा खूने खून हो जाता है। तो इस घटना के बाद एंजेला को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है और नर्स एन विक्टर से मिलने आती है। यहाँ एन का कहना था कि एंजेला के साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए विक्टर की मदद डॉक्टर्स नहीं बल्कि क्रिस मैकनेल कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बेटी के साथ भी 50 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था। अब यहाँ ऑफकोर्स बात 1973 में आई फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट की हो रही है, जहाँ क्रिस की बेटी रीगन पजेस्ड हुई थी। उस इवेंट पे क्रिस एक किताब लिख चुकी है और एन विक्टर को वही बुक देती है। अब ऑब्वियसली विक्टर इन सभी बातों को सिरे से खारिज करता है, बट देन एन यहाँ कुछ रिवील करती है। दरअसल नर्स बनने से पहले एन एक नन बनना चाहती थी, इनफैक्ट वो सिस्टर भी थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे में उन्होंने अपना एबॉर्शन कराया होगा और तब से वो अपना नाम चेंज की और एज नर्स काम करने लगी। ये नेम चेंज एंड एबॉर्शन वाली बात किसी को भी पता नहीं है, नॉट इवन हर फैमिली। लेकिन कल रात एंजेला उनका असली नाम सिस्टर मेरी जेवियर पुकारी और वो उनके बेबी की बात करी, देन चारों तरफ खूने खून हुआ, डिपिक्टिंग द ओल्ड इंसिडेंट। ये सब नॉर्मल नहीं था, यानी कि यहाँ कोई ना कोई असाधारण शक्ति जरूर है, वरना एंजेला को इतना डार्क पास्ट वो भी सिस्टर एन का कैसे पता था। तो ये सब सुनकर विक्टर भी थोड़ा थम जाता है और वो किताब पढ़ता है। बुक पढ़ने के बाद वो क्रिस मैकनेल से पर्सनली मिलने जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। क्रिस का कहना था कि वो कोई एग्जॉर्सिस्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हर धर्म के एग्जॉर्सिज्म जैसी प्रक्रिया को स्टडी किया है, इसलिए वो काइंड ऑफ एक्सपर्ट हो चुकी हैं और उनका इस तरह की पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास है। 50 साल पहले उनकी बेटी रीगन एग्जॉर्सिज्म के बाद ही ठीक हो पाई थी, लेकिन जब क्रिस उस घटना पे किताब लिखी तो ये बात रीगन को पसंद नहीं आई। रीगन क्रिस को माफ नहीं कर पाई और इसीलिए रीगन उनके पास से कहीं तो चली गई है और आज भी क्रिस को नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं। खैर, इन बातों के बाद ये दोनों एंजेला से मिलने असाइलम जाते हैं और वहां एंजेला तुरंत क्रिस को पहचान जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वही 50 साल पुराना डीमन पजुजू है। इसके बाद ये दोनों कैथरीन से मिलने उसके घर पे जाते हैं और इनके घर की हालत बद से बदतर थी। आई मीन मिरांडा एकदम डर की हालत में अपनी बाकी दोनों बच्चों के साथ प्रे कर रही थी और टोनी भी रो रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कैथरीना पे डीमन
डीमन पूरी तरह से हावी हो चुका था और वो पूरे घर में उधम मचाई हुई थी। विक्टर सबको संभालता है, वहीं क्रिस कैथरीना के कमरे में जाती है। यहाँ कैथ डिमोनिक स्टेट में रीगन की बात करती है, सेइंग कि उसे पता है कि रीगन कहाँ है। कैथ कहती है कि रीगन मर चुकी है और नर्क में है। यहाँ क्रिस चैंटिंग वगैरह करके इस डीमन को कैथ यानी कैथरीना के शरीर छोड़ने कहती है, लेकिन कैथ अचानक से एक क्रॉस उठाकर क्रिस का दोनों आंख फोड़ देती है। डिमोनिक कैथ कहती है कि अब तुम अपनी बेटी को कभी देख ही नहीं पाओगी, और इसके बाद कैथ को एकदम मिर्गी से आ जाता है। विक्टर तुरंत ही क्रिस को उस कमरे से निकालता है और सिचुएशन कंट्रोल में आता है, ऑल्दो क्रिस की आंखें तो चली गई। तो ये सब हो जाने के बाद एक फादर मैडॉक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो चर्च वाले काउंसिल से एग्जॉर्सिज्म की अनुमति मांगते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक एवरी मूवी उन्हें अनुमति नहीं मिलती। वहीं क्रिस के आंखों की मरहम पट्टी हो जाती है, जहां क्रिस विक्टर को कुछ ज्ञान पेलती है, लाइक हर कल्चर में एक चीज कॉमन है एंड दैट इज पीपल। आसपास के लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनका भगवान में और एक दूसरे में भरोसा होता है। ये सबसे मोटिवेट होकर विक्टर डिसाइड करता है कि आज रात इन दोनों लड़कियों का एग्जॉर्सिज्म होगा, और इसमें वो अपनी एक दोस्त बीहाइव की मदद भी मांगता है, जो कि अफ्रीकन टाइप के कल्चर को फॉलो करती थी। बेसिकली वो एक रिचुअलिस्टिक हीलर थी। तो एग्जॉर्सिज्म का प्लान बन गया है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि इस एग्जॉर्सिज्म में हिस्सा कौन कौन लोग ले रहे हैं। तो वो लोग हैं टोनी और मिरांडा, जो कि कैथरीन के माता पिता है, देन ऑफ कोर्स नर्स एन तो होंगी ही, विक्टर का एक पड़ोसी था जो कि काफी हेल्पफुल था, देन बीहाइव, देन टोनी के लोकल चर्च वाला फादर, ये मैडॉक्स नहीं है, दूसरा लोकल पादरी है। और हाँ, क्रिस इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में अपना आंख ही खो चुकी है। खैर, तो ये लोग एंजेला और कैथरीन को घर लाते हैं, देन बीहाइव चौक से घर में कुछ सर्कल एंड मार्किंग्स करती है, देन वहां बैक टू बैक दो चेयर्स को ड्रिल कर दिया जाता है ताकि उनको हिलाया नहीं जा सके, और इन दोनों लड़कियों को चेयर्स पे बिठा दिया जाता है बांध के। तभी यहां फादर मैडॉक्स भी आते हैं, लेकिन वो इस एग्जॉर्सिज्म को करने से मना कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें चर्च से परमिशन नहीं मिल पाया था। ऐसे में नर्स एन, जो कि पहले नन बनना चाहती थी, वो एग्जॉर्सिज्म करने का दारोमदार उठाती है। तो ये सभी लोग बिना फादर मैडॉक्स के घर में एंटर करते हैं, और वहां एकदम बदबू आ रही थी। सब लोग गौर करते हैं कि हार्ट बीट चेक करने वाली मशीन में इन दोनों लड़कियों की हार्ट बीट एकदम सिंक में थी। यहां सब लोग एक प्रोटेक्शन नेकलेस पहनते हैं, ताबीज जैसा कुछ था, और फिर एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। अब जैसे ही नर्स एन बाइबल से चैंटिंग शुरू करती है, ये दोनों लड़कियां डिमोनिक स्माइल देती है, पूरा घर हिलने डुलने लगता है, और ये दोनों लड़कियां अजीब एबनॉर्मल बिहेव करती हैं। वो एन को उसके अबॉर्शन वाली बात को लेकर उल्टा सीधा बोलती है, देन इन जनरल सभी लोगों को ऊट पटांग बातें बोलती है, उनके जिंदगी से ही जुड़ी हुई बात। एग्जॉर्सिज्म करने वाले लोगों को एक बात क्लियर करा गया था कि कुछ भी हो जाए, इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बिहाइव एंजेला और कैथरीन के ऊपर कुछ पानी विनेगर जैसा डालती है, जिससे इनके शरीर से वेपर जैसा कुछ तो निकलता है। देन वहां फायरप्लेस में आग लगाकर उसके धुआं से इस वेपर को काइंड ऑफ कंज्यूम किया जाता है, डिपिक्टिंग कि एग्जॉर्सिज्म थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। इस सब प्रक्रिया के दौरान विक्टर इन्फेक्टेड बोल ऑफ वाटर को घर के ईस्ट में फेंकने जाता है, जहां उसे फादर मैडॉक्स दिखते हैं, जो कि अपने कार में बैठकर प्रे कर रहे थे। विक्टर उनसे कहता है कि शैतान से लड़ाई अंदर चल रही है, यहां बाहर नहीं। खैर, अब राउंड टू शुरू होता है एग्जॉर्सिज्म का, और चीजें और इंटेंस होती हैं। जैसे कि नर्स एन जिस क्रॉस को होल्ड कर रही थी, वो एकदम से गर्म हो जाता है, जिससे एन का हाथ जल जाता है। देन यहां एंजेला के अंदर का डीमन पजुजू एक गजब बात रिवील करता है। दरअसल 13 साल पहले जब विक्टर को अपने वाइफ और बेटी में से किसी एक को चूज करना था, तब विक्टर अपनी बीवी को बचाने का चूज किया था। ऑल्दो चॉइस मैटर नहीं किया, क्योंकि उसकी बीवी बच नहीं पाई और नवजात एंजेला को पेट फाड़ के बाहर निकालना पड़ा था। डिमोनिक एंजेला कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, तुम तो मुझे पहले ही मार देना चाहते थे, और इस बात से विक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। देन यहां डीमन पजुजू कहता है कि एंजेला और कैथरीन में से एक मरेगी और एक बचेगी, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम एंजेला को चूज करोगे या कैथरीन को, अगर तुम चूज नहीं किए तो ये दोनों लड़कियां मारी जाएंगी। ऐसे में सभी के बीच एक अनसेड म्यूचुअल ट्रस्ट था कि कोई भी एक लड़की को बचाने के लिए उसका नाम नहीं लेगा, वरना दूसरी बच्ची मारी जाएगी, ये शैतान की एक चाल है। सब लोग एकदम परेशान होकर हार मानने लग गए थे कि तभी फादर मैडॉक्स की एंट्री होती है। उनके आते ही सबके अंदर एक नया जोश आता है, और फादर एंजेला और कैथरीन को टच करके चैंटिंग्स वगैरह करते हैं। वो इनके अंदर के डीमन को डिपार्ट करने कहते हैं, लेकिन उनसे एक भूल हो चुकी थी, वो ये कि फादर ने इन्हें टच कर लिया, जिसके परिणाम अनुसार डीमन उन पे
हावी होकर उनके गर्दन को 180 डिग्री मोड़ देता है, जिससे फादर मैडॉक्स की वहीं पे मौत हो जाती है। ऑब्वियसली गर्दन टूट गई। इसके बाद तो यहाँ का माहौल एकदम डिमोनिक हो जाता है और विक्टर तुरंत अपनी बीवी का स्कार्फ लाकर एंजेला को लपेट देता है, सेइंग कि मुझे तुमसे स्कार्फ नहीं लेना चाहिए था, अपने होश में आओ, डीमन को हराओ इत्यादि। एंजेला कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1% तो होश में आने लगती है। वहीं कैथरीन एकदम से कहने लगती है कि मेरा क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहती। सभी वहां एकदम टूट चुके थे और ऐसे में कैथरीन के पिता टोनी एकदम से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी कैथरीन को चूज करता हूँ। ऐसा होते एंजेला एकदम से अपने पिता पे अटैक करती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो हवा में लेविटेट करती है। देन वो बहुत खून की उल्टी करती है और एकदम से हार्ट बीट मशीन पे फ्लैट लाइन, यानी कि एंजेला मर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन नॉर्मल हो जाती है और विक्टर अपनी बेटी को पकड़ के रोने लगता है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। हम कैथरीन को उसी अंडरग्राउंड बंकर वाली जगह पे देखते हैं, यानी वो अपने मन में वहां होगी जहां डेविल कहता है कि आई चूज यू, यानी टोनी का चॉइस ही डेविल का चॉइस बन जाता है और वो कैथरीन को चूज करता है। देखा जाए तो डेविल पजुजू यहाँ इनके साथ गेम खेल गया था, जहाँ इनके बचाने वाले चॉइस को ही वो मार देगा। होता भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एकदम से कैथरीन मारी जाती है और एंजेला को होश आ जाता है। वो भी एंजेला ठीक हो चुकी थी। सभी लोग शॉक में थे, लेकिन कहीं ना कहीं सब समझ चुके थे कि विक्टर की बेटी एंजेला बच गई है और टोनी की बेटी कैथरीन नहीं बच पाई। थोड़ी देर में पुलिस वगैरह वहां आते हैं और वो फादर मैडॉक्स और कैथरीन की बॉडी को ले जाते हैं। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एंजेला नॉर्मल हो चुकी है और वो विक्टर के साथ वापस बॉन्ड कर चुकी है। वहीं टोनी और मिरांडा की फैमिली कैथरीन के मौत से कोप अप कर रहे हैं और नर्स एन यहां कुछ डेविल गॉड का लेक्चर देती है, लाइक डेविल चाहता है कि हम गिव अप कर दें, लेकिन गॉड को याद करके कभी गिव अप मत करो वगैरह वगैरह। मूवी के एंड में हम अंधी क्रिस को अपने घर में देखते हैं, जहां उनसे मिलने कोई आती है। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी रीगन थी, जो कि वापस आ चुकी थी। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की कहानी और यहाँ प्लॉट एकदम सिंपल सी है, तो ऐसा कुछ खास एक्सप्लेन करने बचा नहीं है एक्स्ट्रा में। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिल्म के दो और पार्ट्स आने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ एक ट्रायलॉजी का प्लान है, तभी तो रीगन को भी वापस लाया गया है। तो देखते हैं आगे की फिल्म कब तक आती है और कैसी रहती है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि ये वाली फिल्म कितनी कमाती है। अब जहां तक बात डीमन पजुजू की है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट्स में ये बात लिखते हो और 1000 कमेंट्स आते हैं। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।